हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं गाड़ी में हूँ और जिस गाड़ी में हूँ वो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा तो जैसे कि आप सब जानते हैं इससे पहले मेरे पास इग्निस गाड़ी थी 2018 मॉडल एंड uh, मैंने उसको बेच के ये लेना सोचा इसलिए क्योंकि मुझे सेवन सीटर चाहिए थी एंड uh, जैसे कि आप सबको पता है इग्निस बारह सौ एंड ट्राइबर वन है तो बेसिकली मेरा रीज़न एक ही था कि मेरे को सेवन सीटर गाड़ी चाहिए थी और ये सेवन सीटर थी तो मैंने सारी वीडियोस यूट्यूब पे चेक की सबका फीडबैक देखा सब ने पॉजिटिव बोला था और मैंने तब जाके गाड़ी लेना सोच का डिसीज़न लिया तो फाइनली अभी मेरे पास uh, ट्राइवर गाड़ी है और मैं इसको अराउंड वन मंथ से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये मैंने चलती हुई गाड़ी ली थी अराउंड फाइव थाउजेंड किलोमीटर चल चुकी थी अभी सिक्स थाउजेंड गई है एंड अगर मैं बोलूं इग्निस और इसमें डिफरेंस तो मैं ये बोलूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें इजीली छोटे बच्चे होंगे तो आठ बंदे आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं बट इग्निस में नहीं हो सकते बट उसमें एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि उसमें जो पावर है वो इसमें नहीं है आ, बेसिकली अभी मैं इग्निस को बीच में नहीं लाऊंगा मैं बस अब आपको इसके बारे में ही बताऊंगा बस एक थोड़ा कंपैरिजन बता रहा था क्योंकि मैंने इग्निस रखी थी और इग्निस चलाने के बाद ये चलाना बिल्कुल मंजूर नहीं होता कि मैं ये चलाऊं तो एक थोड़ा बहुत जो लोग सोच रहे हैं ये गाड़ी लेने के लिए और इग्निस के लिए तो मैं बोलूँगा इग्निस जाइए इग्निस लेने के लिए बहुत बेटर है इंस्टेंट की आप ये ट्राइबर लें और अब चलते हैं ट्राइबर की बात करने तो मैं ट्राइबर के बारे में बताऊँ गाड़ी बहुत अच्छी है बहुत अच्छे फीचर्स हैं ये जो है मेरे पास फुल टॉप मॉडल है जिसमें टच स्क्रीन है रेयर कैमरा सब कुछ है डिफॉगर बट इसमें सब कुछ सही दिया फ़ीचर्स दिए बट एक चीज़ है जो पूरी गाड़ी में एक चीज़ मिसिंग है जो इस गाड़ी का सबसे गंदा ड्रॉबैक है वो है इसका इंजन जो कि हज़ार सीसी का है और जब चलाते वक्त उसकी पावर ऐसे लगती है कि बहुत वीक इसको फर्स्ट गेयर में आप अगर चलाएंगे मैं सिर्फ़ ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं किसी की वीडियो के लिए नहीं बोल रहा लेकिन एज ए ऑनर मैं आपको बता रहा हूँ एक जेनवन फीडबैक दे रहा हूँ जो लोग लेना का सोच रहे हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है प्लीज़ देखिएगा ध्यान से मैं किसी कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं करता जो मेरी होती है आपको पता ही होगा मेरी वीडियोस देखे भाई अगर आप इस गाड़ी के लिए सोच रहे हैं लेने के लिए फ़ीचर्स वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है रेट भी ठीक है बट जो ये टॉप मॉडल है आई थिंक जो जम्मू के अकॉर्डिंग है एट लैक थर्टी फाइव थाउजेंड पड़ती है और जो इसके ऊपर जो सेगमेंट आती है वो है अर्टिग अर्टिगा है पंद्रह सौ सी सी इंजन ये है हज़ार सी सी इंजन अर्टिगा और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो लोग इसको कंपेरिजन कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं मैंने भी किया था बट मैंने दोनों चीज़ें चला के और मैंने जब देखी उसके मुकाबले की नहीं है अर्टिगा की एक तो इंजन कम्फर्ट एंड बूट स्पेस सब कुछ मस्त है इवन कि उसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को इससे ज़्यादा अच्छी लगती है बट इस गाड़ी की कुछ फीचर्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छे और प्रीमियम लगते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ जेब में रखी है चाबी क्योंकि अब आदत नहीं रही हाथ में कैरी करने की तो ये है ड्राइवर की चाबी जिससे आप गाड़ी लॉक अनलॉक करते हैं बेसिकली आपको जरूरत नहीं है इसकी इसको सिर्फ जेब में रखिए जब आप गाड़ी के पास आते हैं अनलॉक दूर जाएंगे तो लॉक हो जाएगी ये सबसे बेस्ट फीचर है इस गाड़ी का जो इस रिमोट में है सेंसर टोटली सेंसर वाली गाड़ी है तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगता है मेरे को जैसे हम की लेके जाना पड़ता है की लगाओ या कहीं ना कहीं लगाओ तो वो फ़ीचर इसमें बहुत अच्छा है कि पास आओ तो अनलॉक हो गया दूर गए तो आ, पास आए तो अनलॉक हो गया दूर गए तो लॉक हो गया ये तो इम्पोर्टेंट था और इस रेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा फ़ीचर था बट जैसे कि अगर आप अर्टिगा जा रहे हैं अर्टिगा जो उसका हाइब्रिड आता है उसमें जो कंपनी क्लेम करती है एटीन टू ट्वेंटी के एम पी एल और मुझे लगता है कि अगर मारुति अगर आपको इतनी आ बता रही है कि इतनी मिलेगी तो आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो किलोमीटर कम जाएगी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी बट यहाँ पे कंपनी ने रेनॉल्ट ने इसकी एवरेज क्लेम की है एटीन टू नाइनटीन जो कि मैंने आ, सीधी रोड पे नॉर्मल हाईवे रोड पे इवन थोड़ा बहुत सिटी भी रोड था और उसमें इसने मुझे, मुझे माइलेज दी है फ़िफ्टीन की अराउंड फोटीन टू फिफ्टीन Uh, ये है अलग बात टोटल हम ऐट मेंबर्स थे जो इस गाड़ी में थे बहुत इजीली अकोमोडेट हुए वो प्लस पॉइंट था इस गाड़ी का ठीक है कंफर्ट वाइज ठीक था ये नहीं मैं बोलूँगा बहुत बेकार था या बहुत अच्छा था बहुत ठीक था एंड राइडिंग uh, तो मैं इसका राइडिंग के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो ड्रॉबैक यही आता है कि इसका पावर uh, ड्रॉबैक एक तो रिवर्स गियर में जब भी आप गाड़ी खींचेंगे तो रिवर्स गियर में रिवर्स गियर में गाड़ी जब आप खींचेंगे ना तो आपको फ़ील हो जाएगा ये गाड़ी हज़ार सी की ही है क्योंकि इतनी गंदी वाइब्रेशन आती है पूरी बॉडी में आपको दिख जाएगा कि हज़ार सी ही इंजन है तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट अगर आप जा रहे हैं सेवन सीटर के लिए ट्राइबर के लिए मत जाइए गो फॉर अर्टिगा बहुत अच्छी गाड़ी है मारुति का भरोसा है जम्मू में सिर्फ एक इसका शोरूम है और एक ही सर्विस स्टेशन है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है मारुति का आप हर एक जगह कहीं पे भी आपको सर्विस कोई पार्ट चाहिए होगा आपको मिल जाएगा बट इस गाड़ी का नहीं मिलेगा गाड़ी अच्छी है नो no डाउट बट ड्रॉबैक एक है इंजन का जो पावर है ठीक है बाकी मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ अंदर से आप देखिए फीचर्स दिखाऊँगा आपका इसको कंसोल दिखाऊँगा इंटीरियर दिखाऊँगा अभी एक्सटीरियर नहीं दिखाऊँगा क्योंकि एक्सटीरियर में ऐसा सच कुछ नहीं है एक्सटीरियर बेसिक है इंटीरियर दिखाता हूँ टच स्क्रीन दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा बट ये एक सुजेशन थी जो मेरे फ्रेंड सोच रहे हैं ट्राइबल लेने के लिए थोड़ा पैसा अगर आप आठ लाख खर्च रहे हो तो दो लाख और खर्च के या थोड़ा सेकेंड हैंड में ही करके भाई इग्निस सॉरी इग्निस नहीं इग्निस मेरा प्यार है यार बड़ी प्यारी गाड़ी है आप बैठे हैं अर्टिग ले लीजिए ठीक है बाकी और सेवन सीटर के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कोई एस एल सिक्स भी है वो सेवन सीटर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी सिक्स सीटर है ये सेवन सीटर है बट हमने आठ बंदे इसमें बिठाए हुए हैं तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज तक का रिव्यू जो इस गाड़ी का है माइलेज मैंने आपको बता दी फोटीन टू फिफ्टीन है ठीक है ज़्यादा भी नहीं है ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हज़ार सीसी का इंजन है मुझे लगा था शायद से थोड़ी ज़्यादा होगी बट लोड ज़्यादा है तो उसकी वजह से बहुत झटके मारती है भाई फर्स्ट गियर में और रिवर्स गियर में पावर ड्रॉबैक पावर पावर का ड्राबैक बहुत गंदा वाला है बाकी फ़ीचर्स बहुत बहुत अच्छे हैं कूल बॉक्स है इसमें ये कीलेस आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप है ठीक है बाकी आपको मैं दिखा ये देता हूँ देखिए आगे आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं जस्ट बिकॉज मैं आपको अच्छे से और ब्रीफली uh, दिखाना चाहता हूँ हर एक चीज़ जैसा कि ये कंसोल है गाड़ी का ठीक है इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है देख लीजिए कि बैटरी लो बता रहा है ट्रिप बता रहा है रेंज बता रहा है इस पेट्रोल में मेरी अभी सेवेंटी किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी ठीक है अभी तक कितनी गाड़ी चली है? वो भी है अभी इंस्टेंट मीन्स जो भी मैं जिस गेयर या जिस स्पीड में चलाऊंगा वो सामने सामने बताएगा क्या एवरेज देगी एंड सर्विस इंटरवल ये थोड़े टाइम पहले ही आया आई डोंट नो बाई अभी तक मैंने गाड़ी ट्रिप करने के बाद कितना चलाई है फुल टैंक कराने के बाद ये वो बता रहा है फ्यूल जब मैंने डलवाया था उसमें 12 लीटर्स पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट थ्री लीटर यूज़ हो चुका हुआ है ठीक है एवरेज इसमें बता रहा है फोर्टीन किलोमीटर पर लीटर अब भगवान जाने इसमें क्या है तो ये कंसोल में ऐसा कुछ नहीं है बाकी ये है हमारा कंसोल पूरा टच स्क्रीन जहाँ पे आपका म्यूज़िक प्लेयर है रेडियो मिलता है इसमें मीडिया में आपको जो मिलेगा आपको ऑक्सिलरी है जो कि यहाँ पे है शिफ्ट ऑक्स और यू दोनों यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है, एसी के एस कंट्रोल्स यहाँ हैं डी फॉगर पार्किंग लाइट यहाँ से आपकी गाड़ी लॉक अनलॉक होती है ठीक है एंड यहाँ से आप कर सकते हैं आपका ऑडियो यू आई पॉड भी यूएस बी है जब आप लगाएंगे ऑक्स जब आप यूज करेंगे ब्लूटूथ में मोस्टली यूज करता हूँ और जो वीडियोज हैं वो भी आपकी यूएस बी के थ्रू चलेंगी ठीक है इसमें एक चीज अच्छा है इसमें स्टोरेज अच्छी है जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ये स्टोरेज है ठीक है एक ये भी है स्टोरेज ठीक है आई डोंट नो कुछ कहा तो नहीं है तो ये रही फ्रेंड्स और यहाँ पे रहा कूल cool बॉक्स ठीक है ये अच्छा है स्पेस अच्छी है इसकी एंड यहाँ से आपके बैक साइड के ए सी विंडस एडजस्ट होते हैं कितना उसका फ्लो आपने रखना है तो सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए सीट मेरे को ओके okay ओके -okay लगी अगर फ्रंट सीट में भी एडजस्टेबल हेड्रेस दिया होता तो बेटर था बैक सीट ये है ठीक है उससे पीछे वो है स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत अंदर से तो ये रहा इंटीरियर ट्राइबर गाड़ी का बस इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसा यूज़ किया जो कि बहुत गंदा लगता है जैसे कि ये बहुत पुराने ज़माने का है ना मुझे तो पसंद नहीं आया भाई और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई इस गाड़ी के बारे में मैंने पहले तो इंग्निस यूज किया है अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो यहाँ है ना पाँव रखते हैं हम जहाँ पे अब मुझे आदत ऐसी पड़ी है मैं कभी कभी ना ऊपर पर चले जाता हूँ और कभी मेरे से ब्रेक नहीं बचती क्योंकि इसका जो है ना थोड़ा ज्यादा आगे है ब्रेक का और बाकी तो चलो एडजस्ट हो जाता है बट ये ब्रेक मेन इम्पॉर्टेंट है मेरे साथ हुआ है पता नहीं बाकी सबके साथ हुआ नहीं हुआ बट बड़े टाइम ऐसा हुआ कि मेरे से ब्रेक नहीं लगी क्योंकि इसका जो फुट पैक है वो थोड़ा आगे तो ये चीजें कुछ हैं जो मुझे पसंद नहीं आई ठीक है जो चीजें पसंद आई वो भी मैंने आपको बता दी आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं जस्ट बिकॉज because... स्पेस बहुत कम है जो कि सिर्फ ये स्पीकर लगे हैं अभी तक और ये देख लीजिए सबसे लास्ट होगा ठीक है नॉट सो बैड बट अच्छी है